वनडे इंटरनेशनल मैचों में भारत के सबसे उम्दा बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा का मानना है कि लिमिटेड ओवरों की कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी का 50 ओवर के फॉर्मेट में उनसे पारी शुरू कराने का फैसला उनके लिए करियर बदलने वाला था। रोहित ने कहा, मुझे लगता है कि वनडे इंटरनेशनल मैचों में पारी शुरू करने के फैसले ने मेरा करियर बदल दिया और ये फैसला महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। इसके बाद मैं बेहतर बल्लेबाज बन गया। इससे मुझे अपना खेल बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली और मैं हालात के मुताबिक बेहतर प्रतिक्रिया दे पाया। रोहित ने पहली बार 2013 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाई। धोनी के पारी की शुरुआत के लिए कहने के संदर्भ में रोहित ने कहा, धोनी मेरे पास आया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम पारी की शुरुआत करो क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम अच्छा करोगे। तुम कट और पुल शॉट दोनों अच्छा खेल सकते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर सलामी बल्लेबाज के रूप में सफल होने का गुण है। धोनी ने मुझसे कहा कि विफलताओं से ना हम डरें और आलोचनाओं से निराश ना हो। वो बड़ी तस्वीर देख रहे थे क्योंकि उस साल इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी। रोहित के मुताबिक धोनी के खिलाड़ी की क्षमताओं को परखने की क्षमता बेजोड़ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान रोहित को जांग की मांसपेशियों में चोट लगी थी और वो अभी इससे उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इसे लेकर कुछ नहीं कर सकते और मैंने पहले भी इस तरह की स्थितियों का सामना किया है। मेरे लिए निराशाजनक ये है कि चोट उस समय लगी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में लगातार 3 अर्धशतक जड़ने के बाद मैं लय में था। इंग्लैंड के खिलाफ पिचें बल्लेबाजों के लिए अच्छी थी और इन पर खेलने में मजा आता। जांग की चोट के ऑपरेशन के बाद रोहित 8 हफ्ते की रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। रोहित को कुछ घरेलू मैच खेलने होंगे और विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन अगले महीने के अंत में किया जाएगा।